नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र कर्णी। मित्रों, जो आपके DLA थर्ड सेमेस्टर के लिए जो हमारी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए, उसी श्रृंखला को आगे करते हुए, जो आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र है पर डे आपको मैथ की और आपको मैराथन क्लास मिलती है मित्रों, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लेकर आए आपके लिए चतुर्थ प्रश्न पत्र जो कि आपका गणित का है, और इसका जो परीक्षा की दृष्टि से हम प्रत्येक पार्ट्स में आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं, और जो कि आपको वर्तमान परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मित्रों थोड़ा सा पोस्टपोन हो चुकी है आपकी डेट, ये भी आप सभी जानते हैं, आपका करा दिया है मैंने, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए और आपको टाइम मिल जाएगा जिससे और बेहतर तैयारी आपकी हो सकेगी। उसी को दृष्टिगत रखते हुए मित्रों हम आपके लिए प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं, इसलिए सभी वीडियो सभी पार्ट्स आपके लिए देखना अति महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में आपके लिए अहम रोल अदा करने वाले, इसलिए यह जो पार्ट है हमारा 18वां है। इससे पहले हम 17 पार्ट लगा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है DLA थर्ड सेमेस्टर मैथ इंपोर्टेंट 2019 में, आप जाकर के वहाँ से बेहतर तरीके से पहले 17 पार्ट देखेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से, और कुछ नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट्स जरूर लिखेंगे और फिर उसके पश्चात आपका 18वां पार्ट देखेंगे मित्रों, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से सभी पार्ट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, और जो गणित में हमारा स्कोर है वो हमें पूर्ण अर्जित करना है, यानी 25 से 25 हमें अर्जित करना है, क्योंकि सफलता आपकी प्रयास हमारे मित्रों, और हम प्रतिबद्ध हैं प्रयासरत हैं मित्रों। चलिए वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मित्रों कोरोना के बारे में जो कि एक गंभीर समस्या बनी हुई है, उसके लिए आप सभी के परिवार की सुरक्षा और आपकी सुरक्षा की ओर से, हमारी परिवार की ओर से, यानी आप ही के परिवार की ओर से, जनता द्वारा जो जनता पर कर्फ्यू लगाया श्री एम पीओडी के जो सम्मानीय देशवासियों के लिए समस्त, उसके संबंध में 22 मार्च को जो आयोजित जनता कर्फ्यू है उसको आप सभी को स्वीकार करना चाहिए मित्रों, और जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो आप 21 तारीख यानी कि शनिवार को आप निपटा लें उनको, और 22 मार्च तक जो सम्मानी हैं स्वीकार करना चाहिए, और इसमें आप सभी सहयोग देंगे मित्रों, क्योंकि आप सभी शिक्षक साथी हैं, जब आप जितना बचाव करेंगे, क्योंकि एक भयंकर रूप ले चुकी है कोरोना जो है आपका, स्थिति गंभीर होती जा रही है, इसलिए सभी को इसके लिए स्वागत करना चाहिए मित्रों। आपका परिवार धर्मेंद्र अकेडमी आपसे विनम्र निवेदन करता है मित्रों कि इस जो फैसला लिया गया 22 मार्च को, जो 7 से 9 बजे के बीच में आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कार्य हैं वो आपको शनिवार को उनको निपटा लें, और 22 मार्च को अपने परिवार के साथ ही रहें, आप अपनी भी सुरक्षा करें और परिवार की भी सुरक्षा करें मित्रों। चलिए इसी के साथ हम तहे दिल से यही चाहते हैं कि जल्दी से आप यह जो आपदा है वो जल्दी से बाहर हो मित्रों। अगर आपने हमारे टेलीग्राम लिंक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण नोट्स हैं आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप टेलीग्राम पर धर्मेंद्र अकेडमी विदाउट स्पेस के आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। अगर मित्रों आप तक अभी तक आपने हमारे परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएंगे, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, मोर देन लाइक और शेयर, क्योंकि मित्रों जितनी ज़्यादा इसको शेयर करोगे इतनी ज़्यादा लाइक करोगे उसके पश्चात हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर क्वेश्चन लेकर आएंगे, और आपका जो हमारा टैगलाइन है सफलता आपकी प्रयास हमारे मित्रों, उसी को कंटिन्यू करते शुरू करते हैं आज की मैथ की क्लास। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का ये पार्ट 18 है, इससे पहले आपके 17 भाग हो चुके हैं मित्रों, अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको बता चुका हूँ, बेहतर तरीके से सभी पार्ट्स देखें और सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आपका क्वेश्चन है आवर्ती तथा सावधि जमा खाता में अंतर लिखिए। कई बार क्या होता है, या तो इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है आवर्ती खाता क्या होता है एक अंक में, या दो अंक में पूछा जाएगा कि इनमें दोनों में कंपेयर यानी अंतर क्या है सावधि जमा खाता और आवर्ती में। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले या तो आवर्ती के बारे में आप लिख दें कुछ नोट्स, 2 या 3 बिंदु बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं आपको लिखने हैं, 2 से 3 बिंदु ही लिखें, ठीक है, और सावधि आवादी जो जमा खाता है उसके सब दोनों के संबंध में 2 या 3 बिंदु आप लिख लें, ठीक है। तो आवर्त खाते की विशेषता क्या होती है कि इस खाते में पूर्ण धनराशि पर प्रतिमाह जमा की जाती है, यानी कोई निश्चित राशि होती है जो 100 के 500 के गुणांक में आपकी राशि होती है, पूर्ण धनराशि प्रतिमाह जमा की जाती है आवर्ती खाते में, जबकि जो सावधि अवधि जमा खाता होता है इस खाते में एक निश्चित राशि निश्चित समय के लिए जमा की जाती है, यानी फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। आपने मान लीजिए 5 साल के लिए फिक्स किया या 10 साल के लिए, या तो फिक्स समय जो भी राशि आपकी 10,000 20,000 फिक्स राशि होगी और फिक्स समय के लिए ही जमा की जाती है इस सावधि अवधि जमा खाता में, जबकि आवर्ती जमा खाते में एक पूर्ण धनराशि का मतलब होता है जो 100 और 500 के मल्टीपल में होगी और वो प्रतिमाह जमा की जाती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि इस पर ब्याज दर जो बचत खाते से अधिक होती है, यानी जो आपका सेविंग अकाउंट होता है लेकिन उस पर जो आवर्ती खाता होता है उससे इसकी ब्याज अधिक होती है, लेकिन सावधि अवधि जो जमा खाता है इस पर ब्याज दर जो होती है अन्य खातों की अपेक्षा और अधिक होती है, यानी इस खाते से भी इसमें अधिक होती है क्योंकि ये फिक्स टाइम के लिए होता है और फिक्स पैसे होते हैं इसमें। तीसरा बिंदु है इसका कि इस खाते में
समय से पूर्व बंद कर सकते हैं। यानी सावधि जो आवर्ती जमा खाता है इसका ऐसा निश्चित फिक्स समय नहीं है भाई कि आप 3 साल बाद या 4 साल बाद ही बंद करोगे। जब आप समय से पहले भी बंद कर सकते हैं, समय को मैच्योर होने पर भी बंद कर सकते हैं, लेकिन सावधि अवधि जमा खाता जो है आपने फिक्स निश्चित समय के लिए किया है तो आप उसी समय पर उसको बंद कर पाओगे। उससे पहले बंद करोगे तो आपको ब्याज नहीं मिलेगी, इसलिए इस खाते में ऐसा नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मित्रों, √3/4 / 4/2 का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है, मैं इसको देखो 4/2 है तो इसको 2 भी लिख सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या होता है क्वेश्चन एग्जामिनर जो होता है आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा, इसलिए है कुछ क्वेश्चन में नहीं लेकिन आपको देखने में ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ अलग है, तो कुछ नहीं है। 4/2 है पावर, पहले तो इसको पावर को पावर से हटा लो भाई, 2 से जो कट जाएगा 2 बार जाएगा तो √3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं 1/2 यानी रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 तो बाहर ले लिया हमने, तो 1/2 × 2 हो जाएगा क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इससे या क्या होगा ये भी कट जाएगा, तो जो आंसर आपका पहले था रूट के अंदर वही आंसर आ जाएगा √3/4 जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3:5 के प्रत्येक पद में से 3 जोड़ने पर नया अनुपात 12:23 हो जाता है, तो वह संख्या बताएं। तो देखिए जब रेशियो दिया हो तो इस तरह करना क्या होगा, मान लीजिए 3x है ये और इसकी वैल्यू 5x मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें कहा गया है 9 जोड़ने पर आपका, ठीक है 3 नहीं है, 9 जोड़ने पर नया अनुपात क्या होगा, ठीक है 9 हो या 3 हो पैटर्न यही है, तरीका यही है, कोई भी संख्या दी हो तो हमने मान लिया 3x में 9 जोड़ा, ठीक है, और 5x में 9 जोड़ा, 9 जोड़ने पर नया अनुपात हो जाता है 12/23 यानी 12:23 हो जाता है, ठीक है 12:23 हो जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका 69 आ गया, प्लस 2 से 7 आ जाएगा, बराबर जब 12 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 12×5 60x हो जाएगा, प्लस 12×9 108 हो जाएगा, ठीक है जो एज इट है उसको बराबर में रख देंगे, अब x वालों को x के साथ रख लेंगे और जो अलग राशियां चर राशि है उसको अलग के पास रख लेंगे। तो देखिए जो 69x - 60x हमने पास लिख लिए और दो से 7 - 155 करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो हमारे 69x से 60x जाएंगे तो 9 बचेंगे हमारे पास, और 2 से 7 से जब 108 हम घटा रहे हैं तो हमारे पास 99 घट रहे हैं, 9 से हमने इसको काटा तो भाई 11 बार गया ये, यानी क्या हुआ 11 बार कटा था, x की वैल्यू हमें 11 मिल गई थी। तब करना क्या था, तब ये करना था कि जो हमने पहले माना था 3x और 5x उसकी वैल्यू निकालनी है, 3x मतलब x का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 3×11 33 संख्या आ जाएगी, अगली हमारी थी 5x तो 5×11 55 हो जाएगी, तो दोनों संख्या हमें मिल जाएंगी 11 और 55 जो कि आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ मित्रों आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि कोई धनराशि है वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर, वार्षिक दी है, छमाही दी है या तिमाही दी है, ये आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सहित 3/8 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है तो इसे समझना होगा। मैंने आपको बताया अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन टफ है तो सबसे पहले हम उसको भाषा को 1 से 2 बार पढ़ेंगे जिससे हम क्या करें हमें सही रास्ता पता लगा सकें या हमने करना क्या है ये ज्ञात कर सकें। तो देखिए हमें जो दिया है उसको नोट कर लिया, समय 3 वर्ष और मान लिया मूलधन जो है हमारे पास पी जो कोई भी है प्रिंसिपल है और रेट यानी दर इसकी रेट जो दी है वो आर है। तो देखिए 3 वर्षों में मिश्रधन, उसने कहा है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा गया है तो मतलब क्या है जो मिश्रधन है इसके इक्वल रहेगा 3 सही 3/8 × p, ठीक है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में, मिक्स फ्रैक्शन है ये, तो 8 × 24 = 27/8 p हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर मिश्रधन मिल जाएगा, ठीक है मिश्रधन क्या मिल जाएगा हमें 27/8 p हमें मिश्रधन मिल चुका है। हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर यानी मिश्रधन बराबर मूलधन (1+r/100)^n जो भी n या t समय जब रखना चाहो, ठीक है यहाँ पर से आप फॉर्मूला लगा सकते हो बस। तो 27/8 = p, हमने मिश्रधन को p माना था और 1+r/100^3 है तो p से हमारा p कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये जो राशि है वो पावर है तो हमें भी इसका गुणांक पावर में बनाना होगा क्योंकि इससे हम कंपेयर कर सकें तभी हम आर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है तो देखिए यहाँ से 3 और 3/2 को अगर हम क्यू करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी हम जानते हैं कि ये क्या है क्यूब संख्या है, ठीक है परफेक्ट है, तो 3 का क्यू करेंगे तो 27 आ रहा है, 2 का क्यू करें तो 8 है, तो हमने क्या कर दिया इसको फैक्टर करके यानी पावर के रूप में कर दिया जिससे कि हम कंपेयर करेंगे, या तो पावर समान कर लो या बेस समान कर लो, तो यहाँ पर बेस समान तो हम कर नहीं सकते लेकिन पावर समान कर सकते हैं, तो 3 3 पावर सेम है तो तुलना कर देंगे, पावर से पावर हट जाएगी आपकी, 1+r/100 बराबर जो अंदर की वैल्यू है 3/2 बराबर हो जाएगी। अब क्या करेंगे एक को क्या करेंगे इसके पक्षांतर कर देंगे तो r/100
बराबर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस के बन। अब ये आपके भिन्न की तरह सॉल्व करना है, देखो भिन्न की तरह 2 एलसीएम हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ठीक है, और क्रॉस मल्टीपल माइनस में कर देंगे तो आर बराबर आपके पास आर बटे 100 बराबर घटाएंगे 3/2 से 1 तो आपके पास 1/2 आएगा। तो हमने लिख दिया भाई आर बटे 100 बराबर 1/2, यहाँ से सीधे भी काट सकते हो ठीक है, यहाँ से सीधे इसको काटोगे तब भी 50 आएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2R हो जाएगा जो कि 100/2 हो जाएगा, और इस तरह ये 50 बार कटेगा और जो आपकी वैल्यू आएगी वो 50% आ जाएगी R की वैल्यू, यानी दर आपकी मिल जाएगी मित्रों, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब और किस एक्ट के तहत हुई थी तथा सर्वप्रथम कार्यालय इसका कहां पर खोला गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न बनता है इससे संबंधित रिजर्व बैंक से, तो मैंने क्वेश्चंस में लगभग 2 से 3 क्वेश्चनों को अलग से ऐड कर दिया है जिससे कि मैं इसकी आपको पूर्ण जानकारी दे सकूं मित्रों ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, किस एक्ट के तहत हुई थी, दूसरा प्रश्न, और सर्वप्रथम इसका कार्यालय कहाँ पर खोला गया था ठीक है, इनमें से एक प्रश्न आपके बनना ही है इसलिए। तो सबसे पहले ये जान लें कि जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी ठीक है, किस एक्ट के तहत हुई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी जो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और अब बात करते हैं सबसे पहले इसका कार्यालय, जो केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर खोला गया, तो सबसे पहले या सर्वप्रथम जो केंद्रीय कार्यालय खोला गया था वो कोलकाता में खोला गया था ठीक है, उसके पश्चात इसको 1937 में बदल कर दिया गया यानी ट्रांसफर कर दिया गया और मुंबई में स्थापित कर दिया, स्थानांतर कहें या यह भी बन सकता है कि इसको स्थानांतर कब किया गया था इसके प्रथम कार्यालय को, तो 1937 में कहां पर हो गया था भाई, मुंबई में हो गया था, और 1949 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया यानी भारत का स्वामित्व हो गया था सरकार का ठीक है। इसलिए फिर कितने क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए इसके, तो ये आपको याद रखना है कुल 22 क्षेत्रीय कार्यालय थे ठीक है, याद रखेंगे आप। उम्मीद करता हूँ मित्रों या जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण मैथ की प्रश्नों की जो श्रृंखला थी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए मित्रों उन सभी शिक्षक साथियों के साथ जो अपना स्कोर गणित में 25 से 25 पूर्ण करना प्राप्त करना चाहते हैं। मित्रों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएंगे क्योंकि भविष्य में भी हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे मित्रों। नमस्कार, धन्यवाद।